भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का गुरुवार 16 अगस्त को निधन हो गया। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में उन्होंने 5:05 पर अंतिम सांस ली। पूर्व पीएम का पार्थिव शरीर शाम 7:30 एम्स अस्पताल से नई दिल्ली स्थित आवास में लाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इससे पहले दोपहर करीब 3:30 उनकी हालत बेहद नाजुक बताई थी। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी एम्स पहुंचे थे। 15 अगस्त को अचानक उनकी तबीयत में गिरावट आ गई थी, जिसके बाद उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। आपको बता दें कि वाजपेयी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, एम्स में वे 9 महीने से भर्ती थे। ऐसे में मोदी सरकार के लगभग सभी कद्दावर मंत्री एम्स पहुंचे थे। वाजपेयी को इसके बाद देखने के लिए कई राज्यों के सीएम अस्पताल पहुंचे थे, जिनमें मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान, बिहार के सीएम नीतीश कुमार शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके गुजरने पर कहा है कि वे निशब्द हैं। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण देश के लिए समर्पित किया। उनका चले जाना एक युग का अंत जैसा है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उनके दुनिया से अलविदा कहने पर दुख प्रकट किया है।